सिर्फ एक ट्रिक की मदद से हारमोनियम ऊपर खुद से बजाओ हजारों गाने। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आज इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप अपने आप से अपने हारमोनियम के ऊपर खुद से हजारों सैकड़ों गानों को आसानी के साथ निकाल पाएंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको हारमोनियम बजाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए फटाफट करके बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और सीखते हैं इस धमाकेदार ट्रिक को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राग काफ़ी की। तो जैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा कि राग काफ़ी थाट काफ़ी का ही राग है, जिसमें गा और नी कोमल होता है और सारे शुद्ध सुर होते हैं। तो एक बार मैं इसका आपको आरोह और अवरोह करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम अभी सी शार्प नोट से इसके आरोह और अवरोह की। तो किस तरीके से, तो सा रे गा कोमल मा पा धा नी कोमल और तार सप्तक का सा। तो एक बार इसको हम बजा कर देखते हैं। तो दोस्तों, ये तैयार हो गया हमारा राग काफी का आरोह और अवरोह। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसको सी शार्प को हम स्केल अपना नहीं बनाएंगे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर तीसरी काली बटन यफ शार्प नोट को आज हम अपना स्केल बनाएंगे। तो आज का जो हमारा स्केल होगा वो होगा यफ शार्प माइनर। तो यहाँ पर तीन बटनों को जब हम प्रेस करते हैं एक साथ तो हमारा एक स्केल तैयार हो जाता है। इस प्रकार से ये हमारा यफ शार्प स्केल तैयार हो गया है। तो अगर मैं यहाँ से अगर अपना स्केल बनाऊँ अगर सी शार्प से, तो उधर की साइड जब हम कोई गाना बजाएंगे तो उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगी और गाना थोड़ा सा हमारा डिसेंट हो जाएगा, सुनने में कम अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर आज एफ शार्प नोट को सा सुर माना है। तो इसके आरोह और अवरोह में आपको वही सेम प्रोसेस है, आपको ध्यान में रखा है गा और नी कोमल बाकी सारे शुद्ध सुर। तो इसका आरोह अवरोह कैसे होगा, यहाँ से दोस्तों अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कुछ गाने निकाल कर दिखाता हूँ किस प्रकार से इस राग के ऊपर हमें गाने को निकालना है। अगर आप ध्यान से वीडियो को समझेंगे तो आप खुद से हजारों गानों को बजा पाएंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप ही का नुकसान है, आप ही आगे चल के कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक भजन बजा कर दिखाता हूँ, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तो किस प्रकार से भजन है एक बार मैं आपको बजा कर दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से निकालना है। तो दोस्तों, इस गाने की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, हमारे पहले सुर से सात सुर से हो रही है। तो आपको अगर किसी गाने को निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। तो आपको अगर कोई गाना खुद से निकालना है, चाहे किसी भी राग का हो किसी भी थाट का हो, आपको थाट राग ध्यान में नहीं रखना है। आपको अगर कोई गाना निकालना है तो उस गाने के मेलोडी और उसके लिरिक्स को याद करके रखना है कि किस प्रकार से उस गाने का लिरिक्स है, उस गाने की कैसे मेलोडी है। अगर आप कोई गाना याद नहीं करे रहेंगे और डायरेक्ट हारमोनियम पर बैठ जाएंगे तो जब आपको कोई गाना याद नहीं होगा तो आप बजाएंगे क्या। तो सबसे पहले आपको गाने के एक एक शब्द को अच्छी तरीके से सुनना और समझना है, अपने कानों को थोड़ा शार्प करना, अपने दिमाग को थोड़ा तेज करना है। तो गाने को हम किस प्रकार से टुकड़ों में बांटकर सीखेंगे, तो गाने के पहले शब्द को हम ढूंढेंगे किस प्रकार से बजाना है। तो इस वचन में पहले कौन सा वर्ड है, कभी। तो सबसे पहले हम कभी को कैसे चुनेंगे, तो जैसे कभी, तो कभी हमारा क्या हो रहा है, एक ही बटन पर बन जा रहा है, मतलब यहीं से ही हमारा कभी बन जा रहा है कभी। अब उसके बाद कभी राम, अब दो बटनों से एक वर्ड बन रहा है, जैसे कभी तो हमने बना लिया एक ही बटन से। अब राम जो है वो यहाँ से टच होकर यहाँ पर जा रहा है, मतलब धा सुर से सा की तरफ आ रहा है। तो किस तरीके से, कभी राम बन के। अब यहाँ पर के एक वर्ड है,
पर उसमें दो बटन का यूज हो रहा है, क्योंकि उस गाने का जो मेलोडी है उसी प्रकार से है। तो इस तरीके से कभी राम बन के कभी श्याम बन के, सेकंड वाली लाइन में क्या हुआ कभी श्याम बन के, तो इसमें कभी के लिए हमें यहाँ से स्टार्टिंग करनी पड़ रही है, रे सुर से रे और सा लेकर कभी बनाना पड़ रहा है। तो किस तरीके से कभी श्याम बन के फिर चले आना तो दोस्तों जब आप गाने के एक एक शब्द को अच्छे तरीके से सुने रहेंगे, उसके मेलोडी को अच्छे तरीके से तैयार किए रहेंगे, तब आपको गाने बजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात राग काफी की, तो राग काफी में आपको सिर्फ दो सुरों को ज्यादातर ध्यान रखना है, गा और नी। अगर आप किसी गाने को बजा रहे हैं और आप सुरों को पहचान रहे हैं अच्छे तरीके से और उसमें आपको लग रहा है कि गा और नी कोमल है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि हम राग काफी का गाना बजा रहे हैं। चाहे आप इसको यहाँ से सुर बनाइएगा सा, आप यहाँ से या आपका जहाँ से स्केल अच्छा लगे या आपको गाना जहाँ से बजाना पसंद हो आप वहाँ से बना लीजिए। आप सेम हम गाने को अगर यहाँ से बजाएंगे तब भी सेम प्रोसेस से बजाएंगे, किस तरीके से पर इस साइड हमें क्या लग रहा है कि आवाज थोड़ी मोटी लग रही है और इधर क्या हो रहा है आवाज थोड़ी पतली और सुरीली लग रही है, तो यहाँ से बजाना मेरे ख्याल से काफी बेहतर होगा इस भजन को। तो अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड वाले गाने की तरफ। तो सेकंड वाला गाना है तूने और रंगीले कैसे जादू किया, सेम ही राग पर सेम ही बटन के ऊपर। तो किस प्रकार से तो दोस्तों अब इस गाने में भी एक समझने वाली चीज है कि पिछले गाने में हमने क्या किया, जो अभी हमने भजन को बजाया उसकी स्टार्टिंग हमने यहीं से ही कर ली थी सा सुर से ही, पर इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इसको सा मान रहे हैं तो यहाँ पर इसका नी से शुरुआत हो रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर कोई गाना सा सुर पे नहीं स्टार्ट होगा, रे से नहीं स्टार्ट होगा, गाना कहीं से भी उठ सकता है और गाना जहाँ से उठ रहा है वहीं से हमें गाने को स्टार्ट करना चाहिए, ना कि हमें कोई दूसरे बटन से। अगर आप कोई दूसरा गाना बजा रहे हैं और आप राग काफी को ध्यान में रखकर अगर गाने को बजा रहे हैं और गाना खराब हो रहा है तो आप तुरंत उस गाने को छोड़ दीजिए। आपको राग काफी का गाना ढूंढना है तो आप इसी तरीके से गाने को ढूंढिए। तो किस तरीके से तो बहुत ही शानदार गाना है, आप इसका अच्छे तरीके से रियाज कर सकते हैं इस गाने का भी बजाने के लिए। पहले आप इस गाने को अच्छे तरीके से सुन लीजिए, इसके एक एक वर्ड को समझ लीजिए। तो इस गाने में वर्ड को अगर हम समझेंगे तो वर्ड सेम ही वैसे हैं का तूने और रंगीले कैसे जादू किया, तो तूने हमें पहले ढूंढना है, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे जैसे तूने, फिर उसके बाद रंगीले कैसा जादू किया। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से बहुत सारे गाने खुद से निकाल सकते हैं सेम इसी प्रोसेस से। आप चाहे राग काफी बजा रहे हों, राग शिवरंजनी बजा रहे हों, कोई सा भी राग हो, कोई सा भी थाट हो, अगर आप खुद से गाना निकालना चाहते हैं तो आपके लिए यही ट्रिक है कि आप गाने को अच्छी तरीके से सुनिए, कि उसके एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से पहचानिए, फिर आप अपने हारमोनियम के ऊपर बैठ कर रियाज करिए, फिर आप जब सुरों का ज्ञान हो जाएगा तब आप ऑटोमेटिक गाने के राग को पहचानने लगेंगे। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो आज की समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और पियानो टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना रियाज जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।